हाँ तो 11 क्लास अब हम स्टार्ट करते हैं क्वांटम नंबर्स, और क्वांटम नंबर्स का मीनिंग मैंने यहाँ पे लिखा है एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, कि एक एटम के अंदर किसी इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है। इस बात को आप ऐसे समझिए कि जैसे अगर कोई पोस्ट आपके घर पर आती है तो जो पोस्टल एड्रेस उसमें लिखा होता है उस एड्रेस में सारे कॉम्पोनेंट होते हैं, आपका नाम क्या है, आपका हाउस नंबर क्या है या आपका लेन नंबर क्या है, कौन सी कॉलोनी है, कौन सा स्टेट है, ठीक है, कौन सा सेक्टर है, सारी चीज़ उसमें मैंशन होती है, तो वो कम्प्लीट एड्रेस होता है। इसी तरह से एक एटम है सपोज़, ठीक है, एक एटम का एटॉमिक नंबर 10 है, इसका मतलब हुआ कि उस एटम के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, यानी वो एटम 10 इलेक्ट्रॉन्स की कॉलोनी है, ठीक है। या किसी एटम का एटॉमिक नंबर 20 है, इसका मतलब उस एटम के अंदर 20 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, यानी वो एटम 20 इलेक्ट्रॉन्स की कॉलोनी है। अब सपोज उन 20 इलेक्ट्रॉन्स में से हमें 18th नंबर के इलेक्ट्रॉन से मिलना था, ठीक है, तो उस 18th नंबर के इलेक्ट्रॉन को उस एटम में कहाँ कहाँ हम ढूंढें, तो उस इलेक्ट्रॉन का जो पोस्टल एड्रेस होता है उसे ही हम क्वांटम नंबर कहते हैं। कैसे ढूंढेंगे इसको, पहले मैंने इस सीक्वेंस में लिखा है कि एक कॉलोनी है, कॉलोनी में आप देखेंगे कौन सा हाउस नंबर है, हाउस में एंटर करेंगे तो आपको रूम्स दिखेंगे, ठीक है, तो कौन सा रूम है उस इलेक्ट्रॉन का, या रूम के अंदर सपोज एक ऑफिस एरिया है तो ऑफिस एरिया में एक रूम के अंदर बहुत सारे केबिन्स होते हैं तो उसमें बहुत सारे केबिन्स बने हुए हैं तो आप देखेंगे आपको कौन से केबिन में जाना है, फिर उस केबिन के अंदर भी हर केबिन में दो मेंबर हैं तो आपको देखना है कि आपको कौन से मेंबर से मिलना है। तो ये सीक्वेंस है, क्या सीक्वेंस है, कॉलोनी, कॉलोनी के अंदर हाउस, हाउस में रूम, रूम में केबिन और केबिन में दो मेंबर है, ठीक है, दो मेंबर मैक्सिमम में एक भी हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा तो अब यहाँ पर जो है कैसे रिलेशन है, कॉलोनी को मान लीजिए एटम, जब आप किसी एटम में इलेक्ट्रॉन को ढूंढने निकलेंगे तो पहले एटम के अंदर जाएंगे तो आपको देखना पड़ेगा शेल कौन सा है, शेल को ऑर्बिट भी कहते हैं, शेल क्या रोल यहाँ पे प्ले कर रहा है, हाउस, जब आप उसके हाउस यानी शेल में एंटर कर जाएंगे तो फिर आपको उसमें रूम्स दिखेंगे, यानी शेल में आपको सब शेल्स दिखेंगे, तो फिर आप देखेंगे कि कौन से रूम यानी कौन से सब शेल में आपको इलेक्ट्रॉन को ढूंढना है। जब आपको रूम पता चल जाएगा, आप उस रूम में एंटर करेंगे तो फिर आपको केबिन्स यानी ऑर्बिटल्स दिखेंगे, ऑर्बिटल्स भी मल्टीपल होंगे, फिर आपको ढूंढना है कि कौन से ऑर्बिटल में वो वाला इलेक्ट्रॉन को जिससे कि आप मिलना चाहते हैं वो इलेक्ट्रॉन बैठा है। फिर जब आप ऑर्बिटल यानी केबिन में एंटर करेंगे तो वहां पर भी हो सकता है कि आपको मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन बैठे हुए मिले, तो उनमें से कौन से इलेक्ट्रॉन को आपको ढूंढना है, ठीक है। तो इस तरह से शेल, सब शेल, ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर हमें इंफॉर्मेशन हो तो हम इस पोस्टल एड्रेस से उस इलेक्ट्रॉन की जानकारी ले सकते हैं। अब टेक्निकली इन चीजों को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, तो हाउस यानी शेल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसका सिंबल है स्मॉल लेटर n, ठीक है। सब शेल यानी रूम्स के बारे में, हाउस के अंदर जो रूम्स हैं, शेल में जो सब शेल है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है अजीमुथल क्वांटम नंबर जिसका सिंबल है स्मॉल लेटर l। ऑर्बिटल यानी केबिन्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसका सिंबल है स्मॉल लेटर m, और कौन सा इलेक्ट्रॉन से आपको मिलना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है स्पिन क्वांटम नंबर जिसका सिंबल है स्मॉल लेटर s, ठीक है। तो टोटल चार क्वांटम नंबर होते हैं, यानी हमने पढ़ा क्वांटम नंबर्स क्या हैं, क्वांटम नंबर एड्रेस है किसी इलेक्ट्रॉन का कहां पर इन एन एटम, और ये चार होते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। अच्छा अब जैसे आपको शेल यानी हाउस में आप गए तो हाउस में आपको देखना होगा कौन सा हाउस नंबर है, तो हाउस नंबर, हाउस को बोलोगे n और हाउस नंबर हो सकता है 1, 2, 3, 4, यानी कि शेल्स या ऑर्बिट्स हो सकते हैं 1, 2, 3, 4, ठीक है। जब आप रूम में गए तो रूम नंबर्स होते हैं, ठीक है, हर जगह पर आपके स्कूल में रूम नंबर होते हैं, आप होटल्स में जाएंगे होटल में रूम नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो रूम नंबर्स यहाँ पे रूम नंबर कैसे दिए जाते हैं, रूम को एल से डिनोट किया गया है और रूम नंबर्स हो सकते हैं 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ठीक है, 3 तक प्रैक्टिकली नेचुरली हमें मिले हैं, इसके आगे के हाइपोथेटिकल रूम नंबर्स होंगे, ठीक है। तो ये रूम नंबर्स होते हैं 0, 1, 2, 3 इन्हीं पैटर्न में होगा, और जब भी किसी रूम का रूम नंबर 0 लिखा हो तो उस रूम का एक नाम भी होता है, उस रूम को एस कहा जाए। जब भी किसी रूम के ऊपर रूम नंबर 1 लिखा हो तो उसे पी कहा जाए, जब भी किसी रूम के ऊपर रूम नंबर 2 लिखा हो तो उसे डी कहा जाए, और जब 3 लिखा हो तो उसे एफ कहा जाए। मतलब रूम के रूम नंबर्स भी हैं और रूम के नेम्स भी हैं, ठीक है ना।
तो ये जैसे स्मॉल रूम है, उससे बड़ा है, उससे बड़ा है, सबसे बड़ा रूम है, आप इस तरह से इसको देख सकते हैं। तो ये रूम नंबर है और ये रूम्स के नेम्स हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये क्या हो जाएंगे, नेम्स ऑफ रूम्स, ठीक है। अभी हम इसी भाषा में इसको पहले पढ़ेंगे ताकि जब हम टेक्निकल टर्म पर आए तो वो आपके लिए याद करना आसान हो, ठीक है। तो यानी अजीमुथल क्वांटम नंबर हमें क्या बता रहा है, रूम नंबर और रूम के नेम के बारे में। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बता रहा है, हाउस नंबर। हाउस का कोई नाम नहीं है, बस 1, 2, 3, 4 है। या हाउस को KLMN भी लिखा जाता है, ठीक है, ये बात तो आप जानते हैं, ऑर्बिट नंबर, ठीक है ना। तो मोस्टली 1, 2, 3, 4 ही हम लिखते हैं, ठीक है बच्चों। तो चार तरह के रूम्स होते हैं, SP, D, and F, ठीक है। और आपकी NCERT में क्वेश्चन दिया है, अगर L इक्वल्स टू 4 हो तो अगला रूम, अभी तक ये नेचुरली प्रैक्टिकली डिस्कवर नहीं हुआ है, लेकिन अगर फ्यूचर में डिस्कवर हो तो उसका क्या नाम रखा जाएगा, उसका नाम स्मॉल लेटर G लिखा जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको SPDF तक ही पढ़ना है, G के बारे में जस्ट ये अभी एक फ्यूचरिस्टिक बात है, ये अभी प्रैक्टिकल बात नहीं है, ठीक है। तो SPDF ही आपको पढ़ना है। फिर जब आप केबिन में जाते हैं तो केबिन के केबिन नंबर्स होते हैं। केबिन नंबर्स किस पैटर्न में होते हैं, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, ठीक है। ये केबिन नंबर कैसे होगा, ये स्केल ऐसे चलती है, सेंटर से जितना राइट जाएगी उतना ही लेफ्ट जाएगी, ठीक है। मतलब कि अगर कहीं पर एक केबिन है तो उसका केबिन नंबर 0 होगा, कहीं पर, अच्छा, और ये हमेशा ऑड नंबर्स में होंगे, या तो एक केबिन होगा, तीन केबिन होंगे तो केबिन नंबर -1, 0, +1 होगा। अगर कहीं पे 5 केबिन है तो -2, -1, 0, +1, ये हर एक केबिन है, ये एक केबिन है, -1 नाम का एक केबिन है, 0 नाम का एक दूसरा केबिन है, +1 नाम का तीसरा केबिन है। तो हर केबिन को इस तरह से नंबर असाइन किए जाते हैं, ठीक है। अगर आप अभी इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं तो अभी हम आगे बैठेंगे, आगे देखेंगे तब आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। फिलहाल जैसे ये केबिन नंबर है ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ, ठीक है। अच्छा, फिर जब आप केबिन में एंटर करेंगे तो वहाँ पे दो मेंबर्स यानी दो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स को कैसे पहचानेंगे। तो जैसे स्कूल में आपका रोल नंबर होता है, ठीक है, पर मेंबर रोल नंबर, और वो रोल नंबर क्या हो जाएगा, प्लस हाफ या माइनस हाफ होगा। तो आप प्लस हाफ वाले रोल नंबर से मिलना चाहते हैं या माइनस हाफ वाले रोल नंबर के इलेक्ट्रॉन से मिलना चाहते हैं, ठीक है। तो इस इमेजिनेशन से आपको क्वांटम नंबर का जो थीम है अब वो समझ में आ रहा होगा। अब मैं इनका जो भी इंफॉर्मेटिव पार्ट है उस पर आते हैं, तो उस पर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तब स्टार्ट करते हैं। हाउस, हाउस यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n हो गया। रूम, हाउस के अंदर रूम अजीमुथल क्वांटम नंबर l हो गया। केबिन का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन का s, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज देखिए, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम m से भी डिनोट करते हैं या m की सबस्क्रिप्ट में l लिखा है इससे भी डिनोट करते हैं, ठीक है, तो वो सेम ही सिंबल है। और स्पिन क्वांटम नंबर को s से भी डिनोट करते हैं और m की सबस्क्रिप्ट में s लिखा होता है इससे भी डिनोट कर सकते हैं, तो वो स्पिन क्वांटम नंबर है ms और ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ml, ठीक है। अच्छा, चलिए अब इनसे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती हैं, उसकी जो केमिस्ट्री वाइज जो टेक्निकल डिटेल है हम उस पर आ जाते हैं। तो हाउस यानी ये क्या बताता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट बताता है, ऑर्बिट यानी शेल, ठीक है। यहाँ पे ऑर्बिट टर्म तो कम यूज़ करते हैं हम, शेल टर्म यूज़ करते हैं ना, तो मैं यहाँ पर शेल लिख देती हूँ, शेल भी मैंशन कर देती हूँ, ठीक है। तो ये हमें बताते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की कौन सा नंबर ऑफ ऑर्बिट या कौन सा नंबर ऑफ शेल है, 1, 2, 3, 4 या KLMN, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट के उस शेल के अंदर या उस ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हमें मिल सकते हैं, तो वो 2n² है। ये इससे आप फैमिलियर हैं फार्मूला से, ये आपने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। 2n² मतलब अगर n की वैल्यू 1 है तो आप रख दीजिए तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, या n की वैल्यू 2 है तो सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, एंड सो ऑन। तो इस तरह से हर एक ऑर्बिट के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं इसकी इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। तो यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने हमें क्या बता दिया कि कौन सा ऑर्बिट है और ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, ठीक है। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी ऑर्बिट यानी कि हाउस में आप एंटर कर गए तो अब आपको रूम की इन्फॉर्मेशन चाहिए कि हाउस के अंदर कौन से रूम में, ठीक है। तो सबसे पहले अजीमुथल क्वांटम नंबर ये तो बताएगा कि रूम कितने हैं, तभी तो आप ढूंढेंगे कौन से रूम में। तो इट टेल्स अबाउट नंबर ऑफ सब शेल्स इन अ शेल यानी नंबर ऑफ रूम्स इन अ हाउस, ये बात क्लियर हो गई। नंबर ऑफ, ये रूम है, ये हाउस है, तो नंबर ऑफ सब शेल्स इन अ शेल यानी नंबर ऑफ रूम्स इन अ हाउस ये हमें बताता है, और कितने होते हैं तो मैंने यहाँ पे लिखा है n। n का मतलब यानी कि जितना हाउस नंबर उतने ही रूम्स होंगे। अगर हाउस नंबर 1 है तो एक ही कमरा होगा उस घर में, अगर हाउस नंबर 2 है तो उस घर में 2 कमरे होंगे, और अगर हाउस नंबर 3 है तो उस घर में 3 कमरे होंगे। तो इस तरह से यहाँ पर n लिखा है यानी जो हाउस नंबर है वही नंबर ऑफ रूम्स हैं किसी भी घर के अंदर, ठीक है।
अच्छा, फिर नेम ऑफ सबशेल्स, वो जो रूम्स हैं, सबशेल्स जो हैं, जो रूम्स हैं, ठीक है, उनके क्या नेम होंगे. एफपीडीएफ चार नेम्स के रूम होते हैं, ठीक है. उन रूम्स के रूम नंबर्स क्या होंगे. रूम नंबर्स को बोल दिया गया है वैल्यू ऑफ एल. वैल्यू ऑफ एल क्या होगी, तो वैल्यू ऑफ एल हो सकती है, अगर एस नाम का रूम है तो उसकी वैल्यू 0 होगी, पी नाम का रूम है तो 1 होगी, डी नाम का रूम है तो 2 होगी, एफ नाम का रूम है तो 3 होगी, ठीक है. यानी हम यहाँ पर अगर देखें तो 0 to n-1 मिल सकते हैं, इस तरह का बुक्स में लिखा होता है, तो उसका मीनिंग ये है, ठीक है. अच्छा, अभी मैं एक टेबल और बनाऊंगी, उसी वाली बात मैं आपको और क्लियर कर दूंगी, इस टेबल के बाद जो नेक्स्ट टेबल बनेगी कैलकुलेशन वाली, ठीक है. अच्छा, तीसरी और नेक्स्ट बात ये बताता है एनर्जी ऑफ सबशेल. एनर्जी से मतलब अभी यहाँ पे मान लीजिए रूम के साइज से, उसकी कैपेसिटी से, और जब कैपेसिटी ज़्यादा होती है तो उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, ठीक है. तो एनर्जी वाइज आप मान लीजिए कि रूम के साइज से, तो एन सबसे छोटा रूम होता है, पी उससे बड़ा होता है, डी उससे बड़ा होता है, एफ इससे बड़ा होता है. लेकिन एनर्जी का रियल मीनिंग क्या है, ये मैं आपको इसके बाद वाला जो एक्सप्लेनेशन दूंगी उसमें मैं आपको बताती हूँ, ठीक है. फिलहाल हम इन सिंबॉलिक टर्म्स में इसको याद करने की कोशिश करते हैं. और फिर है शेप ऑफ दी सबशेल्स, ठीक है. उन रूम के शेप को आप जैसे इमेजिन करिए, एस फॉर स्फेरिकल है, पी फॉर डंबल शेप है, डी फॉर डबल डंबल है, और एफ को लिखा जाता है कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स या ट्रिपल डंबल भी लिखा जाता है. अब देखो, डबल डंबल मैंने ऐसा बनाया, तो ट्रिपल डंबल आपको ऐसा फ्लावर जैसा हम बना सकते हैं, ठीक है. लेकिन इसको अक्सर कॉम्प्लेक्स लिख दिया जाता है. तो इन शॉर्ट, अजीमुथल क्वांटम नंबर हमें सबशेल के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन देता है, कि उस हाउस के अंदर कितने रूम्स यानी कितने सबशेल हैं, उन सबशेल का नेम क्या है, उन सबशेल का नंबर यानी कि उनकी वैल्यू क्या है, उनकी एनर्जी क्या है, उनकी शेप क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल जाती है. सबशेल यानी कि रूम के अंदर हम एंटर कर गए. अब जब रूम हमें पता लग गया कि ये पर्टिकुलर रूम नंबर है, तो उसके अंदर कितना केबिन है, तो केबिन यानी कि ऑर्बिटल्स, सो इट टेल्स अबाउट ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल. और वो ऑर्बिटल कहां से काउंट होगा, इस फॉर्मूला से काउंट होगा 2l+1, ठीक है. 2l+1 यहां पे क्या बता देगा, ये आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल बता देगा. वैसे मैंने यहां ऊपर भी लिख दिया है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताएगा. इसके लिए छोटा सा टेबल फिलहाल मैंने यहां पे बना दिया, कि सपोज l नाम का रूम है, ठीक है, l नाम का रूम है, ठीक है, l रूम है, l मतलब l नंबर का रूम नंबर है, और ये वाला नाम है एसपीडीएफ नाम का रूम है, तो उसमें कितने केबिन्स होंगे, और केबिन्स यानी ऑर्बिटल्स को मैंने ये इस तरह से ऑर्बिटल्स ब्लॉक्स की फॉर्म में बना दिए, ठीक है. तो देखो फॉर्मूला है 12+1, l की वैल्यू 0, अगर l 0 है यानी कि 0 नंबर वाला रूम है, तो उस रूम को हमेशा s नाम का रूम कहते हैं. तो s सबशेल के अंदर कितने केबिन आए, कैलकुलेशन से 1 आया, 1 मतलब ये एक मैंने केबिन बना दिया, ठीक है. जब आपने l की वैल्यू 1 रखी, इस फॉर्मूला में पुट की, तो वैल्यू 3 आएगी, तो 3 केबिन एक साथ बन गए, यानी कि p नाम के रूम में 3 केबिन होते हैं. अगर L की वैल्यू 2 रखी, तो यहाँ पे वैल्यू आई 12+1 की 5, यानी मैंने 5 केबिन बना दिए. और L की वैल्यू 3 रखी, तो इसका मतलब 7 नंबर आया, यानी कि मैंने 7 केबिन बना दिए, ठीक है. यानी S नाम का रूम है, S नाम के रूम में एक ही केबिन, क्या मैं बोल दूँ जो रूम वही केबिन. अगर एक रूम में एक ही केबिन है, तो जो रूम वही केबिन है, यानी जो एस नाम का रूम होगा उसमें हमेशा एक ही केबिन होगा, यानी जो रूम है वही केबिन होगा. पी नाम का जो भी रूम होगा उसमें हमेशा 3 केबिन होंगे. डी नेम का जो भी रूम होगा उसमें हमेशा 5 केबिन होंगे. और एफ नाम का जो रूम होगा उसमें हमेशा 7 केबिन होंगे, यानी रूम की कैटेगरी होगी 7 केबिन वाली, या 5 केबिन वाली, या 3 या 1 केबिन वाली, ठीक है. तो इस तरह से हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर ली. और ये जो केबिन्स हैं, अब इनको भी केबिन नंबर अलॉट होंगे. केबिन नंबर अलॉट होने का जो तरीका होता है, वो माइनस एल से प्लस एल, यानी वो 0-1+1 वाला है. मतलब कि अगर एक केबिन है, तो इसका हमेशा नंबर 0 ही होगा. अगर 3 केबिन है, तो इधर 0, इसका -1 और इसका +1 होगा. अगर 5 केबिन है, तो इसका 0-1-2+1+2, इस तरह से स्केल पर होगा. हम अभी और क्लियर एक्सप्लेनेशन इसके बाद में देखेंगे, ठीक है. बोर्ड पे बहुत सारी चीज़ें नहीं आ पा रही हैं, ठीक है ना, एंड सो ऑन. तो इस तरह से जैसे मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिख के बता दिया कि 3 केबिन है, तो -1, 0, +1 हम इसको अलॉट कर सकते हैं. इस तरीके से सारे ऑड नंबर्स में केबिन्स आ रहे हैं, तो ये स्केल पर ये फिट हो जाते हैं, ठीक है ना. अच्छा, फिर आता है स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम एस से या एम एस से डिनोट करते हैं. और एंड इट टेल्स अबाउट डायरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि दो तरीके हो सकती है, या तो क्लॉकवाइज स्पिन होगा इलेक्ट्रॉन का, या फिर एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होगा. अगर क्लॉकवाइज स्पिन है, तो उस इलेक्ट्रॉन का रोल नंबर लिखा जाए +1/2, और अगर एंटी क्लॉकवाइज स्पिन है, तो उस इलेक्ट्रॉन का रोल नंबर लिखा जाए -1/2. ऑन पेपर जब आप उसे ऑर्बिटल में बिठा के शो करेंगे, तो आप क्लॉकवाइज स्पिन के लिए इलेक्ट्रॉन को अपवर्ड कंप्लीट एरो या अपवर्ड हाफ एरो से डिनोट कर सकते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के लिए इलेक्ट्रॉन को डाउनवर्ड कंप्लीट एरो या डाउनवर्ड हाफ एरो से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है. तो इस टेबल को अब आप, इससे सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है. अब इसके कैलकुलेशन पार्ट पर हम आगे बढ़ते हैं.
चलिए तो क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग हम इसके फ्लो चार्ट पे देख लेते हैं जिसमें सारी क्वांटम नंबर्स इसमें एक साथ हैं। तो सबसे पहले n की वैल्यू हम रखते हैं, अगर n की वैल्यू 1 होती है यानी कि पहला ऑर्बिट होता है तो पहले ऑर्बिट के लिए जो l आता है वो n माइनस 1 से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू 0 टू n माइनस 1 है, ठीक है। तो यानी खाली 0 ही रही एक वैल्यू के लिए, तो 0 ही लिखोगे ना। और 0 नाम की जब l की वैल्यू होती है तो सबशेल क्या लिखते हैं, तो अब यानी कि मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, यानी l इक्वल्स टू 0 तो सबशेल क्या हो जाएगा, s नाम का सबशेल हो जाएगा। s नाम के सबशेल में कितने ऑर्बिटल, इसकी l की वैल्यू को 2l प्लस 1 में अप्लाई करो, 1 आ रहा है, यानी ये 1 ऑर्बिटल बन गया, ठीक है। अब अगर हम सेकंड लेते हैं ऑर्बिट, तो सेकंड ऑर्बिट के अंदर l की जो वैल्यू है 0 से n माइनस 1 आएगी, यानी आप 2 को n माइनस 1 में डालो तो कितना आया, 1 आया। तो टोटल l कितने होंगे, 0 से 1 होंगे, यानी 0 एंड 1 दोनों होंगे। तो सेकंड ऑर्बिट में 0 एंड 1 दो नंबर के l की पॉसिबिलिटी है, यानी कि दो तरह के रूम मिलेंगे सेकंड वाले घर के अंदर, 0 और 1, ठीक है। 0 यानी s नाम का रूम, 1 यानी कि p नाम का रूम, तो ये l की वैल्यू है, ठीक है। L0 L1 दोनों मिलेगा सेकंड ऑर्बिट के अंदर, ठीक है। और S यानी कि 1 केबिन और P यानी कि 3 केबिन, है ना। आप इसमें L की वैल्यूज को इन फॉर्मूलाज में रखते जाएंगे तो 1 और 3 की वैल्यूज आ जाएंगी। फिर अगर थर्ड वाला ऑर्बिट है तो थर्ड ऑर्बिट के अंदर आप 3 की वैल्यू यहां पे n-1 में रखो तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो टोटल रूम कितने मिलेंगे, 0 से 2 तक मिलेंगे, यानी 0 1 एंड 2 तीन रूम मिलेंगे थर्ड में। हमने कहा था ना कि जो हाउस नंबर उतने ही रूम, तो तीन हाउस नंबर हैं तो तीन रूम मिलेंगे, 0 से स्टार्ट होगा 0 1 2 3, ठीक है। यानी SPD तीन रूम मिल जाएंगे और तीनों रूम में केबिन 1 3 5, यानी कि ये तीनों के केबिन हो गए। फिर फोर्थ नंबर का जो रूम है, फोर्थ नंबर का जो ऑर्बिट है उसके अंदर 0 1 2 3 चारों रूम्स मिलेंगे, SPDF और 1 3 5 7 इनके ऑर्बिटल्स हैं। ये हमने ऑर्बिटल्स यहाँ पे ड्रॉ कर दिए। और अगर यहीं पर आप 2n² देखें तो 2n² से पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड ऑर्बिट में कितने आते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। थर्ड ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं। फोर्थ ऑर्बिट के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप अब देखो हर केबिन के अंदर कितने मेंबर्स रहते हैं, 2 मेंबर्स रहते हैं। हर केबिन में इलेक्ट्रॉन को भरो तो आपको पता लग जाएगा। फर्स्ट ऑर्बिट के केबिन में आप 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरेंगे तो टोटल हो गए 2 इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड ऑर्बिट के अंदर ये दोनों हैं, सेकंड ऑर्बिट में क्या है, ये एस और पी दोनों है ना, एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। पी में भी 1 2 3, हर केबिन में आपको 2 इलेक्ट्रॉन भरने, और भरने का पैटर्न हर केबिन में एक इलेक्ट्रॉन अपवर्ड स्पिन का होगा और एक इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड स्पिन का होगा। टोटल इनको काउंट करो कितना आ रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है। फिर थर्ड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट में क्या है, 1 3 और 5 केबिन है, इन सब में इलेक्ट्रॉन भरो, 2 यहाँ पर हो गए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर हो गए, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भर दिए आपने, ठीक है। कि टोटल कितने हो गए काउंट करिए, तो इन तीनों को मिला के टोटल हो गए 18 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो 2n² से थर्ड ऑर्बिट की कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन बता लग गई। और इसी तरीके से जब आप फोर्थ ऑर्बिट के अंदर भी फिल करेंगे सारे ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एंड सो ऑन, तो इन सब की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, टोटल 32 इलेक्ट्रॉन्स की हो जाएगी। और इसके बेस पर अगर हम एटम का स्ट्रक्चर आप प्रिडिक्ट करें तो एटम का ये 2D में जो हमने बनाया है वो ये हो गया कि पहले ऑर्बिट के अंदर एक ही रूम। अच्छा, एक और बात, सेकंड ऑर्बिट, ये बच्चों देखो ये पहला ऑर्बिट है, ठीक है। ये दो लाइंस के टू ऑर्बिट, मतलब सेकंड ऑर्बिट है, तीन लाइन का थर्ड ऑर्बिट है। तो मैंने क्या किया है, जैसे सेकंड ऑर्बिट में ये जो दो एल्स की वैल्यू है तो इन दो वैल्यूज को दो डिफरेंट ऑर्बिट्स की फॉर्म में बताया, यानी कि सेकंड ऑर्बिट में ये जो लाइन है ये पहली है और ये दूसरा रूम है, ठीक है। यानी ये घर है, ये शेल है, सब शेल्स ये दो लाइंस हैं। तो पहले ऑर्बिट में एक ही सब शेल है ना, तो ये एक ही हो गया, जो ऑर्बिट है वही सब शेल हो गया। सेकंड ऑर्बिट के अंदर ये दो सब शेल्स हैं, यानी दो रूम्स हैं। थर्ड ऑर्बिट के अंदर ये तीन रूम्स हैं, तो तीन लाइंस बनाइए, ठीक है। और जो हमेशा सबसे अंदर वाला रूम होगा वो एस होगा, उसके ऊपर पी डी एफ चलेगा। तो देखो पहले ऑर्बिट में खाली एस नाम का रूम है, सेकंड ऑर्बिट में एस और पी दोनों रूम्स हैं, थर्ड ऑर्बिट में एस पी डी है। और ऐसे ही जब फोर्थ ऑर्बिट आप बनाएंगे तो उसके अंदर जो है एस पी डी और एफ चारों रूम्स आ जाएंगे, ठीक है। ये पूरा फोर्थ ऑर्बिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से, अच्छा फिर एस के अंदर ऑर्बिटल, तो एक ऑर्बिटल, फिर सेकंड ऑर्बिट में आइए आप, यहाँ पे मैंने बना रखा है n=1 में एक ऑर्बिटल है, n=2 में एस और पी दो रूम्स हैं, एस वाले रूम में एक ऑर्बिटल, पी वाले रूम में तीन ऑर्बिटल यानी तीन केबिन है। फिर थर्ड ऑर्बिट के अंदर ये तीन रूम्स हैं, तीन लाइंस यानी तीन रूम है, पहले रूम एस, फिर दूसरा रूम पी और थर्ड रूम डी। एस वाले रूम में एक केबिन है, पी वाले रूम में तीन केबिन है और डी वाले रूम में 5 केबिन यानी 5 ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। तो यानी ये तीनों लाइंस यहाँ पे रूम यानी सबशेल्स बता रही हैं, ये जो ब्लॉक्स बनाए हैं ये केबिन्स यानी ऑर्बिटल्स बता रहे हैं, और ये जो पूरा मैंने कंबाइंड फॉर्म में लिखा है ये हाउस यानी कि शेल बता रहा है। तो इस तरह से
क्वांटम नंबर ने किसी भी एटम के अंदर तक इलेक्ट्रॉन के जो पाए जाने की सारी पॉसिबिलिटी है वो यहाँ पर दे दी, और इलेक्ट्रॉन्स को हमें कैसे ढूंढना है, कौन से स्पिन का. अब स्पिन दो ही होते हैं इसलिए स्पिन मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, या तो प्लस हाफ होगा या माइनस हाफ होगा. तो इस तरह से इस चार्ट से हम एटम्स के हर एक लेवल को ओपन करते जा रहे हैं, खोलते जा रहे हैं. तो क्वांटम नंबर से हमें ये इंफॉर्मेशन मिली थी एटम की डिजाइन के बारे में. ओके, तो शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स को देखते हैं. शेप्स, ये चारों ऑर्बिटल्स एस पी डी एफ हो गए. एस का स्फेरिकल, स्फेरिकल यानी इस तरह का क्लाउड होगा बॉल के अराउंड 3D में. पी इज डम्बल शेप, डम्बल शेप यानी उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऐसा होगा. डी यानी डबल डम्बल शेप, डबल डम्बल यानी इस तरह का होगा. एक डम्बल ये हॉरिजॉन्टल और एक डम्बल वर्टिकल मैंने बना दिया. और एफ को कॉम्प्लेक्स या ट्रिपल डम्बल कहते हैं. ट्रिपल डम्बल यानी देखो तीन डम्बल, एक ये वाला डम्बल, एक ये वाला डम्बल और एक ये वाला डम्बल. ठीक है, तीन डम्बल्स हो गए तो इसको कॉम्प्लेक्स कहा जाता है. हालांकि एफ का डिटेल आपके सिलेबस में नहीं है, खाली एस पी और डी का है. तो सबसे पहले शेप ऑफ एस ऑर्बिटल पर आते हैं. क्योंकि स्फेरिकल है, स्फेरिकल का मतलब जैसे एक बॉल है तो बॉल के सेंटर से तीनों एक्सेस जाएंगे, तो उसका क्लाउड बॉल की तरह चारों तरफ होगा. तो ये तीन एक्सेस मैंने बना दी 2D में, एक्स वाई जेड, और इस पर स्फेरिकली 2D में स्फेरिकली क्लाउड इसका इस तरह से अपियर होगा. और एस ऑर्बिटल एक ही होता है जिसके लिए एम की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है. तो ये हमने यहाँ पर मैंशन कर दिया. शेप्स ऑफ पी ऑर्बिटल पर आते हैं. पी ऑर्बिटल का शेप होता है डम्बल शेप्ड. ठीक है, डम्बल शेप का मतलब कि इस तरह का एक ऑर्बिटल. ठीक है, डम्बल शेप. तो पी के तीन ओरिएंटेशन होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड. और इसका जो डम्बल होता है, जो भी एक्सेस इसके सिंबल में लिखा होता है, जैसे पी एक्स लिखा है, तो इसका जो डम्बल है वो अलोंग दी एक्स एक्सेस ओरिएंट होगा. यानी मैंने देखो यहाँ पे ऐसे तीन एक्सेस बना दिए हैं, एक्स वाई और जेड एक्सेस बना दिए. ठीक है, तो जो एक्स का डम्बल है वो एक्स एक्सेस पर ओरिएंट कर दिया. अगर पी वाई है तो अगेन आपने क्या किया, ये तीन एक्सेस बनाए किसी भी 2D में, किसी भी एक्स को, किसी भी एक को एक्स, किसी भी एक को वाई, किसी भी एक को जेड बोला. और जो पी वाई का डम्बल है वो कहाँ ओरिएंट कर दिया, वाई एक्सेस पर ओरिएंट कर दिया. ठीक है ना, ऐसे ही पी जेड के लिए आप ऐसे ही तीनों एक्सेस बनाएंगे और एक्स वाई जेड इनको मार्क करेंगे और जेड एक्सेस के अलोंग आप इसे ओरिएंट कर देंगे. पी के तीन ऑर्बिटल्स होते हैं, तो ये मैंने तीनों ऑर्बिटल बना दिए सेम एनर्जी के हैं. कन्वेंशन ये कहता है, रूल ये बनाया गया है कि पी एक्स पी जेड उसको हमेशा सेंटर में रखा जाए और एक्स और वाई को उसके अराउंड रखा जाए. एक्स और वाई को आप यहाँ और यहाँ भी रख सकते हैं, और एक्स वाई को यहाँ और पी एक्स को यहाँ पर भी रख सकते हैं, बस पी जेड हमेशा बीच में आना चाहिए. और जो एम की वैल्यू है वो हमेशा सेंटर में 0 होगी. अराउंड अगर इधर प्लस 1 है तो यहाँ माइनस 1, और यहाँ माइनस 1 तो यहाँ पर प्लस 1 होगा. ठीक है, यानी पी एक्स के लिए प्लस या माइनस 1 दोनों एक्सेप्टेबल है, पी वाई के लिए भी प्लस 1 या माइनस 1 दोनों एक्सेप्टेबल है, लेकिन पी जेड के लिए हमेशा एम की वैल्यू, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी. एम यहाँ पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है. ठीक है, एम यहाँ पर क्या है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, इट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू है. ठीक है, तो ये तीन ओरिएंटेशन पी के 3D में होते हैं. ये शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स जो कि डबल डबल शेप्ड होता है. ठीक है, तो डबल डबल यानी कि इस तरह का हो गया कि, यानी कि डी सबशेल में या डी ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसके इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड होगा वो डबल डबल शेप होगा. इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कैसा होता है, जैसे कि आप एक फ़ैन है, फ़ैन घूम रहा है तो क्लाउडी जोन दिख रहा है, तो इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड आप इमेजिन कर सकते हैं. और 5D ऑर्बिटल्स होते हैं. ठीक है, 5D ऑर्बिटल में सेंटर में लिखा है मैंने डी जेड स्क्वायर, इसमें 2Z है, फिर उसके अराउंड डी एक्स जेड और वाई जेड लिखा जाता है, फिर उसके अराउंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी एक्स वाई लिखा जाता है. ठीक है, यहाँ पर इन दोनों को आप इंटरचेंज कर सकते हैं, लास्ट के जो दोनों टर्मिनल्स हैं, मतलब आप इसे यहाँ पे डी एक्स वाई भी लिख सकते हैं और इसे यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी लिख सकते हैं. इसी तरह से इन दोनों को भी आप इंटरचेंज कर सकते हैं, डी वाई जेड जो है उसको आप इधर भी लिख सकते हैं और जो डी एक्स जेड है आप उसको इधर भी लिख सकते हैं, लेकिन जो डी जेड स्क्वायर है मुझे सेंटर में आएगा. याद आप कैसे रखेंगे, इसमें जेड स्क्वायर इसलिए सेंटर में है, इसके अराउंड वो एक्सेस आएंगे जिसमें एक एक जेड है, जैसे एक्स जेड और वाई जेड है. ठीक है, और बिल्कुल टर्मिनल पे वो वाले सिंबल्स आ जाएंगे जिनमें एक भी जेड नहीं है. ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या फिर डी एक्स वाई. ठीक, और एम की ये वैल्यूज़ हैं, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 1, 0, माइनस प्लस 2 और माइनस प्लस 1 और माइनस प्लस 2. ठीक है, अच्छा, इनमें जो ये तीन हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड और एक्स जेड, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो बिटवीन दी एक्सेस ओरिएंट होता है. बिटवीन दी एक्सेस का क्या मतलब है,
थ्री एक्सेस होते हैं एक्स वाई जेड, तो अगर यहाँ पे लिखा है डी एक्स वाई तो मैंने ऐसे बनाया, मैंने यहाँ पर, मैं इसको यहाँ पे बना के बताती हूँ आपको थोड़ा सा, ठीक है, इधर बना लेते हैं, ठीक है, ये मैंने दो एक्सेस बनाए, सपोज यहाँ पे एक्स और वाई लिखा था, तो मैं यहाँ पे एक्स किसी भी एक को एक्स, किसी भी एक को वाई बोल दूंगी, तीसरा एक्सेस जो है वो यहाँ पर होगा, ठीक है, किसी भी एक को मैंने एक्स बोला, किसी भी एक को वाई बोला है, और तीसरा एक्सेस ये है थ्री डी में, जिसको मैं अभी यहाँ पर इस तरह से नहीं बना रही हूँ, ठीक है, समझ गए, ये वाला जो एक्सेस है ये इस तरह से आएगा, ठीक है, थर्ड एक्सेस होगा। तो मैंने जस्ट अभी दो सिंबल लिखे हैं एक्स और वाई, तो मैंने टू डी में दो ही बनाए, और जो डबल डंबल है वो इनके बीच में मैं इस तरह से ओरिएंट कर दूंगी। अगर सपोज डी वाई जेड होता तो आप क्या करते हैं, वाई जेड के लिए अगेन फिर से ये दो एक्सेस बनाते, किसी भी एक को वाई, किसी भी एक को जेड बोलते, और इनके बीच में, इनके बीच में बिटवीन दी एक्सेस आप इस तरह से डबल डंबल को ड्रॉ कर देंगे। तो देखो यहाँ मैंने यहाँ पे डी वाई जेड बना रखा है, वाई एक्सेस यहाँ, जेड एक्सेस यहाँ, और इनके बीच में डबल डंबल बना रखा है। ऐसे ही नेक्स्ट वाला है डी एक्स जेड, तो आप मैंने क्या किया, यहाँ पे टू एक्सेस बनाए, किसी भी एक को मैंने एक्स बोल दिया, किसी भी एक को जेड लिख दिया, और डबल डंबल मैंने इनके बीच में ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। तो ये जो तीनों एक्सेस हैं वो इस तरह से यहाँ पे बनाए जाएंगे बिटवीन दी एक्सेस। अब बचे हुए दो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर जो होता है, तो ये इनका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ओरिएंट होता है अलोंग दी एक्सेस, एक्सेस के ऊपर। तो जैसे यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो मैंने यहाँ पे एक्सेस बनाया एक्स और वाई, ठीक है, यानी इस तरह से मैंने यहाँ पे एक्सेस बना लिया, किसी भी एक को मैंने एक्स बोल दिया, किसी भी एक को वाई बोल दिया। थर्ड जो एक्सेस होता होगा वो 3D में इनके परपेंडिकुलर ओरिएंट होता होगा इस तरह से, जिसे यहाँ पे बनाने की मैंने ज़रूरत नहीं समझी तो मैंने नहीं बनाया, ठीक है, बट ऑब्वियस है कि वो इनके राइट एंगल पर होगा। और डबल डंबल इस तरह से इन एक्सेस के ऊपर, यानी इस तरह से मैंने अलोंग दी एक्सेस ओरिएंट कर दिए, ठीक है। डी जेड स्क्वायर में एक चेंज होता है, डी जेड स्क्वायर भी डबल डंबल होता है, लेकिन डबल डंबल में कुछ मॉडिफिकेशन हो जाता है, एक डंबल तो एज इट इज रहता है, ठीक है, डबल डंबल का एक डंबल तो एज इट इज रहता है, जो कि देखो मैंने बनाया एक्स वाई जेड, तीन एक्सेस में से जेड पर ओरिएंट हो गया, मैंने यहाँ पे तीनों एक्सेस बनाए बच्चों, ठीक है। जेड स्क्वायर का एक डंबल तो क्योंकि जेड है, जेड एक्सेस पे यू ओरिएंट हो जाएगा, और जो दूसरा डंबल है डबल डंबल का, वो मॉडिफाई होके सेंटर में रिंग का शेप ले लेता है, और उस रिंग का जो क्लाउड है ना, ये जो बचे हुए एक्स और वाई एक्सेस हैं उन पर इस तरह से आ जाता है। देखो जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, तो जैसे बेबी सूथर होता है वो बच्चों का खिलौना, ठीक है, तो बेबी सूथर शेप का ये हो जाता है, तो इस तरह से इसका ये मॉडिफाइड फॉर्म आ जाता है डी जेड स्क्वायर का, जिसमें रिंग का क्लाउड एक्स और वाई पर होगा, और जो डंबल है उसका क्लाउड जेड एक्सिस के अलोंग होगा। क्वांटम नंबर के अब क्वेश्चंस पर आते हैं, तो क्वेश्चन है राइट ऑर्बिटल नोटेशंस ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। ऑर्बिटल नोटेशन लिखने से पहले मैं आपको इसका हिंट देती हूँ, क्वांटम नंबर के क्वेश्चन में जो बेसिक चीज़ आपको याद होनी चाहिए वो क्या याद होनी चाहिए। सबसे पहले आपको L यानी सबशेल्स की वैल्यू याद होनी चाहिए, L यानी 0, 1, 2, 3, तो यानी एस पी डी एफ सबशेल्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इनके m के वैल्यूज़ याद होनी चाहिए विद देयर ओरिएंटेशन, मतलब s तो एक ही ऑर्बिटल होता है, s के लिए m की वैल्यू 0 होती है, लेकिन p तीन होते हैं, तो ऑन पेपर p को आप कैसे लिखेंगे, पी जेड सेंटर में x और y के अराउंड लिखेंगे, तो -1 + 1 0 +1 - 1 इसकी वैल्यू हो गई। d फाइव होते हैं, तो d फाइव ऑर्बिटल्स जो हैं वो आप इस तरह से लिखेंगे, जेड स्क्वायर सेंटर में, एक्स जेड वाई जेड उसके अराउंड, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी एक्स वाई उसके अराउंड लिखेंगे, और इसमें जो वैल्यू होगी एम की सेंटर में 0, -1 + 1 अराउंड होगी, और बिल्कुल टर्मिनल पे -2 एंड +2 जाएगी, ठीक है, इधर माइनस है तो उधर प्लस, और यहाँ प्लस है तो वहाँ पर माइनस, ठीक है, ये बेसिक चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अब ये इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन में मैंने 10 क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिए हैं, पहले क्वेश्चन में इनमें क्वांटम नंबर का सेट गिवन है, और क्वांटम नंबर का जो पहला सेट है n = 5, l = 2, m = +2, ठीक है, यहाँ पर स्पिन क्वांटम नंबर s की वैल्यू नहीं गिवन है, कई बार क्वेश्चन में लिखी जा सकती है ±½, और कई बार नहीं भी लिखी जा सकती है, इससे ऑर्बिटल नोटेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर की ज़रूरत नहीं है, तो क्वेश्चन में नहीं भी होगा तो भी आपका काम चल जाएगा, तो फिलहाल मैं यहाँ से हटा रही हूँ। तो बच्चों n5, l2 और m+2, ठीक है, इस सेट पर ऑर्बिटल का नोटेशन कैसे लिखोगे, सबसे पहले जो n की वैल्यू होती है 5, उस नंबर को आगे लिख देते हैं 5, ठीक है, अब n की वैल्यू है 5, तो मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया, ठीक है, l = 2, यहाँ पर देखो l 0, 1, 2, 3 में से l = 2 किसको बिलोंग करता है, d को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो यानी यहाँ पे d सबशेल है, तो 5 के आगे मैंने लिख दिया d, 5d। अब m+2,
अब इधर आओ, डी ऑर्बिटल्स, डी सबशेल में ये पांच डी ऑर्बिटल्स हैं, पांच डी ऑर्बिटल में प्लस टू की वैल्यू किस पर आ सकती है? प्लस टू माइनस टू टर्मिनल पर है, तो यानी या तो प्लस टू ये टर्मिनल हो सकता है या प्लस टू वो टर्मिनल हो सकता है। इन दो टर्मिनल का मतलब 5d एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी हो सकता है या फिर 5d एक्स वाई भी हो सकता है, ठीक है? या तो ये या फिर ये, दोनों में से दोनों सिंबल्स आप ओरिएंटेशंस लिख सकते हैं, तो ये दोनों इसके आंसर्स पॉसिबल हैं, ठीक है? नेक्स्ट वाला जो है ऑर्बिटल वो बनाते हैं, n इक्वल्स टू 4, तो सबसे पहले आप 4 को आगे रख दो। L0 किसके लिए देख के बताओ, s के लिए है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 4 और s के लिए तो m 0 ही होता है, तो s के लिए तो m 0 ही है, तो इसका सिंबल खाली 4s लिखा जाएगा। थर्ड वाला आते n इक्वल्स टू 6, l इक्वल्स टू 1, m इक्वल्स टू माइनस 1। सबसे पहले n इक्वल्स टू 6, यहाँ पे लिखो 6 लिख दिया। अब l इक्वल्स टू 1 देख के बताओ, l1 किसके लिए है? l1 p सबशेल के लिए है, तो आपने यहाँ पे p को मेंशन कर दिया, ठीक है? अब p के लिए m माइनस 1, तो p सबशेल में आओ, माइनस 1 कहाँ है? या तो ये टर्मिनल या ये टर्मिनल हो सकता है, तो यानी py या px, ठीक है? तो आप इस यहाँ पे लिख देंगे या तो 6py होगा या फिर 6px भी यहाँ पॉसिबल है, ठीक है? यानी ये वाला नोटेशन या ये वाला नोटेशन, दोनों में से पॉसिबल है, बट 6pz इज नॉट पॉसिबल, ठीक है? क्योंकि z के लिए तो m 0 होता है ना। इसका बनाओ n इक्वल्स टू 1, अच्छा एक मिनट, L2 है ये, n इक्वल्स टू 1 नहीं, मैं इसको ज़रा 3 कर देती हूँ, ठीक है? क्योंकि 1 पे पॉसिबल नहीं है, तो n इक्वल्स टू 3 है, l इक्वल्स टू 2, ठीक है? तो अब यहाँ पे लिखो, n की वैल्यू मैंने 3 लिखी है, तो ये 3 हो गई। L2 क्या है बताओ? L2 d सबशेल के लिए है, ठीक है? तो L2 d सबशेल के लिए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3d, है ना? अब d के लिए m माइनस 2 है, तो d के लिए m माइनस 2 माइनस 2 यहाँ भी आ सकता है, इस टर्मिनल पे वहाँ पर भी आ सकता है, तो यानी दोनों पॉसिबल है, तो 3d एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी पॉसिबल है या फिर 3d एक्स वाई यानी ये वाला ओरिएंटेशन भी पॉसिबल है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, n इक्वल्स टू फोर है, सबसे पहले आप लिख दीजिए 4, ठीक है? ये इनके आंसर्स हैं, ये जो सिंबल्स निकल रहे हैं ना, दीज आर ऑर्बिटल नोटेशंस, n इक्वल्स टू 4। अब l इक्वल्स टू 1, l1 देख के बताओ क्या है? l1 p सबशेल है, तो मैंने 4 के साथ में लिख दिया p, तो n और l से मेरे पास 4p का सिंबल आ गया। अब m0, p के लिए m0 कब आता है? जब pz होता है, तो अब मैंने इसको लिख दिया 4pz, ये इसका ऑर्बिटल नोटेशन हो गया, ठीक है? नेक्स्ट आते हैं n इक्वल्स टू 3, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। l इक्वल्स टू 2, l2 का मतलब क्या है जरा देखो, l2 का मतलब d है, तो ये 3d सबशेल हो गया। अब है m इक्वल्स टू प्लस 1, m प्लस 1 किसके लिए आता है? या तो प्लस 1 यहाँ आ सकता है या फिर प्लस 1 यहाँ पर आ सकता है, ठीक है? ये दोनों कौन से सिंबल है, xz या yz, तो यहाँ पे 3d xz भी पॉसिबल है और 3d yz भी पॉसिबल है, ठीक है? नेक्स्ट वाला आते हैं, n इक्वल्स टू 7, n इक्वल्स टू 7 यानी आपने यहाँ पे लिख दिया 7, L इक्वल्स टू वन ये रहा P सबशेल, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 7p। अब यहाँ पे दिया है m प्लस 1, P के लिए प्लस 1 देखो, P के लिए प्लस 1 या तो इस टर्मिनल के लिए आएगा या इस टर्मिनल के लिए, मतलब px भी पॉसिबल है और py भी पॉसिबल है, तो 7px या फिर आप क्या लिख देंगे, 7py हो जाएगा, ठीक है? अच्छा नेक्स्ट वाला आओ, इसको करके बताओ, n इक्वल्स टू 2, ठीक है? n इक्वल्स टू 2 यानी मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। l इक्वल्स टू 0, l0 देख के बताइए, l0 किसके लिए, s के लिए है, तो ये बन गया 2s, ठीक है? तो क्योंकि नीचे का बोर्ड विजिबल नहीं है, इसलिए नीचे के 9th और 10th मैं यहाँ पे इरेज कर रही हूँ, और यहाँ तक इस तरह से हमें अगर n, l, m ये 3 क्वांटम नंबर्स गिवन होती हैं, तो हम इस तरह से ऑर्बिटल नोटेशंस लिख सकते हैं, और इनके लिए आपको ये वाले हिंट्स याद होना पहले ज़रूरी है, और बहुत आसान है, बहुत इजीली हो जाता है मेमोराइज़, एक दो बार आप लिख लीजिए इन्हें। अब इसका रिवर्स क्वेश्चन लेते हैं,
अब मैंने दिया है राइट क्वांटम नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल नोटेशंस. पहले मैंने आपको क्वांटम नंबर्स दिए थे n, l और m, ठीक है, और ऑर्बिटल नोटेशन आपसे पूछा था. अब ऑर्बिटल नोटेशन यानी ऐसे कंडेंस फॉर्म यहाँ पे गिवन है और इनके क्वांटम नंबर यानी n, l और m लिखने हैं, s नहीं लिखना अभी, ठीक है. क्वांटम नंबर्स कौन से, n, l और m, ये तीन क्वांटम नंबर्स आपको लिखने हैं. चलिए तो फर्स्ट वाला आता है 4dxz. 4dxz में जो पहला नंबर है 4, इसको हम क्या लिखते हैं, n लिखेंगे. n की वैल्यू कितनी दिख रही है, 4. अच्छा अब d के लिए यहाँ पे देख लो, हिंट अगेन सेम हिंट काम आएगा. जो d है, d के लिए L2 होता है, तो यहाँ पे लिख दीजिए L2. अब xz, d का xz देख लो, d का xz ये भी हो सकता है लेकिन ये भी हो सकता है, ठीक है. तो इन दोनों के लिए dxz है तो प्लस माइनस 1 हम लिख दें, तो जो n की वैल्यू होगी दैट वुड बी प्लस माइनस 1, यहाँ पर आपको मेंशन करनी है, ठीक है. अच्छा फिर नेक्स्ट पर आते हैं 2py, ये ऑर्बिटल नोटेशन आपको गिवन है और इसके लिए आपको क्वांटम नंबर्स लिखने हैं. तो 2 नंबर को देख के आप क्या लिख देंगे, n की वैल्यू 2 है. p सबशेल के लिए l कितना आता है, 1 आता है, l की वैल्यू को हम लिख देते हैं 1. अब p में y ओरिएंटेशन है, y एक्सिस का, पर m की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस 1 है, तो m की वैल्यू हमने लिख दी है प्लस माइनस 1, ठीक है. अच्छा थर्ड ऑर्बिटल 5s, 5 पहले लिखा है तो n की वैल्यू को हम क्या कर दें, 5 बोल दें. s के लिए देख के बताओ l की वैल्यू क्या है, s के लिए l की वैल्यू 0 है, तो l की वैल्यू को 0 लिख दिया. और s के लिए m कितना होता है, 0 ही होता है, शुड आई राइट 0. फिर 3dz2, 3d में जो 3 है वो क्या होगा, n हो जाएगा. d सबशेल के लिए यहाँ पे देखो l की वैल्यू कितनी है, 2 है, l की वैल्यू 2. और z2, d के लिए z2 की वैल्यू देख लीजिए सेंटर में, m कितना होता है इसके लिए, 0 होता है. तो इस तरह से हम, अगर हमें ऑर्बिटल नोटेशन दिया है तो हम इसके n, l और m तीन क्वांटम नंबर्स इजीली निकाल सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम मे हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स. इसमें ये चार क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, चारों अलग अलग क्वेश्चंस हैं. पहला क्वेश्चन है n इक्वल्स टू 4 एंड ms इक्वल टू माइनस r. ms का मतलब क्या होता है, ms का मतलब s ही होता है, ठीक है ना. इसमें क्वांटम नंबर को भी हम ms भी लिखते हैं ना. तो इन्होंने कहा है कि एक एटम में जिसमें n इक्वल्स टू 4 और s इक्वल्स टू माइनस हाफ कॉम्बिनेशन के क्वांटम नंबर्स हो, इतने इलेक्ट्रॉन को आपको काउंट करके बताना है. तो देखो कैसे काउंट करोगे. काउंट करने से पहले मैं आपको हिंट दे दूं. आपको हिंट में क्या याद रखना है, फर्स्ट वाले ऑर्बिट में खाली s होता है, 1s होता है. सेकंड ऑर्बिट में s और p दोनों होते हैं, यानी 2s और 2p हो गए. थर्ड ऑर्बिट में s, p, d तीनों होते हैं. फोर्थ में s, p, d, f और उसके बाद s, p, d, f, s, p, d, f ही रिपीट होता है, ठीक है. और इनमें ऑर्बिटल्स कितने हैं वो भी आपको याद रखने हैं. s में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं बताओ, s में एक होता है. p में कितने होते हैं, p में तीन होते हैं, ठीक है. d में कितने होते हैं, d में 5 होते हैं. और f में कितने होते हैं, f के अंदर 7 होते हैं, ठीक है. 1, 3, 5 और 7, इतने इतने ऑर्बिटल्स होते हैं. तो दूसरा हिंट आपको ये याद रखना है, ये दो हिंट के बेस पर आप इलेक्ट्रॉन इजीली काउंट कर सकते हैं. और आपको ये पता है एक ऑर्बिटल में हमेशा दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एक हाफ स्पिन का माइनस हाफ का और एक प्लस हाफ स्पिन का. तो बच्चों n इक्वल्स टू 4 और s इक्वल्स टू माइनस हाफ के इलेक्ट्रॉन आपको काउंट करने हैं. कैसे काउंट करेंगे, सबसे पहले n इक्वल्स टू 4 पर ध्यान दीजिए. n इक्वल्स टू 4 से ये बताइए फोर्थ वाले ऑर्बिट में कौन कौन से सबशेल्स आपको मिलेंगे. तो आप यहाँ पे आएंगे कि अच्छा 1, 2, 3, 4 फोर्थ वाले में तो s, p, d, f चार मिलेंगे. तो आपने यहाँ पे लिख दिया कि अच्छा n इक्वल्स टू 4 है, मतलब यहाँ पर 4s भी होगा, 4p भी होगा, 4d भी होगा और 4f भी होगा, ये चार होंगे, ठीक है. फिर इनके ऑर्बिटल्स बना लो. तो 4f के, 4s के ऑर्बिटल ये हो गए, ठीक है. 4p के ये हो गए, 4d के ये हो गए, ठीक है. और 4f के 1, 2, 3, 4, 5 के, ठीक है. तो चारों के बन गए. अब हर एक में क्या होना है कि दो दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं. उसके पहले यहाँ पे s आपको देखना है, ठीक है, s जिसकी हाफ. तो हर दो इलेक्ट्रॉन में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनमें से आधे इलेक्ट्रॉन तो प्लस हाफ के होंगे, आधे माइनस के होंगे, माइनस हाफ यानी डाउनवर्ड स्पिन.
तो एक डाउनवर्ड स्पिन यहाँ होगा, यहाँ इन सब में एक एक डाउनवर्ड स्पिन आप बना दीजिए, ठीक है। तो यानी सब में एक एक डाउनवर्ड, टोटल कितने बन गए बताओ, 1 यहाँ पे बना इलेक्ट्रॉन, 3 यहाँ पे बने, 5 यहाँ पे बने और 7 यहाँ पर बन गए, ठीक है। तो कितना हो गया, 16। तो टोटल 16 इलेक्ट्रॉन जैसे हैं इसमें फोर्थ में जो माइनस हाफ स्पिन के इसको मिल सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आते हैं। क्वेश्चन का सेकंड कॉम्बिनेशन है n इक्वल्स टू 3 और n इक्वल्स टू -1। इस कॉम्बिनेशन के इलेक्ट्रॉन्स आपको टोटल काउंट करने हैं। तो सबसे पहले आप किस पे ध्यान देंगे, n इक्वल्स टू 3 पर। n 3 में देखो, 3 में कौन कौन से सब्शेल्स मिलते हैं, 3 में s p d 3 मिलते हैं। तो पहले ये लिख लो कि अच्छा n इक्वल्स टू 3 है, इसका मतलब यहाँ पे 3s मिलेगा, यहाँ पर 3p मिलेगा और यहाँ पर 3d मिलेगा। अब इसमें आपको क्या देखना है, अब आपको L की वैल्यू देखनी है, ठीक है। कहाँ जहाँ पे L की वैल्यू क्या हो, -1 हो, सॉरी इट्स नॉट L, इट्स M, है ना। L की वैल्यू तो -1 ही थी, इट्स M, यहाँ पे M की वैल्यू -1 हो। M यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए, N इक्वल्स टू 3, M इक्वल्स टू -1 है ये, ठीक है। अच्छा अब S के लिए बनाते हैं, S में एक ऑर्बिटल है, ठीक है। P में कितने, 3 ऑर्बिटल्स हैं और D में कितने, 1, 2, 3, 4, 5 ऑर्बिटल्स हो गए, D में ये 5 ऑर्बिटल्स हो गए, ठीक है। अच्छा अब इन ऑर्बिटल्स की जरा m की वैल्यू देखना, इसके m की वैल्यू क्या होती है, 0। इसमें क्या होती है, 0, एक कोई भी एक -1 तो दूसरा +1, यहाँ पे 0 -1 -2 +1 +2 ऐसी होती है, ठीक है। तो अब m इक्वल टू -1 की कॉम्बिनेशन निकालो, m इक्वल टू -1 एक यहाँ पे मिल सकता है, m इक्वल टू -1 एक यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। तो दो बार दो ऑर्बिटल मिले जो m इक्वल टू -1 के हो सकते हैं, और दो ऑर्बिटल इन दोनों में कितने कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे बताओ, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेंगे, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेंगे, यानी टोटल यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे आपको, टोटल यहाँ पर आपको 4 इलेक्ट्रॉन मिल गए, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल आंसर आ जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू -1 में इस कॉम्बिनेशन के होंगे, मतलब इस सेट ऑफ क्वांटम नंबर के कॉम्बिनेशन के 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, n इक्वल्स टू 2 और l इक्वल्स टू 0। n इक्वल्स टू 2 का मतलब बताओ, सबसे पहले n इक्वल्स टू 2 का मतलब आप कहेंगे कि अच्छा सेकेंड ऑर्बिट यानी s और p, एटम के सेकेंड ऑर्बिट में s और p सब्शेल्स मिलेंगे, ठीक है। एस और पी का मतलब आप देखेंगे 2s और 2p मिलेगा, ठीक है। अब 2s के अंदर ये आ गया और 2p में ये आ गया, ठीक है। अच्छा इनके लिए जरा l की वैल्यू 0, तो जब l की वैल्यू 0 है तो बताओ l की वैल्यू 0 का मतलब क्या, मैं बोल दूं s सबशेल, तो l की वैल्यू 0 तो खाली इसके लिए है और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है। तो यानी s सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो यानी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं सेकंड ऑर्बिट में जिसमें कि आपको l की वैल्यू 0 के 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, n इक्वल्स टू 3 में s इक्वल्स टू +1/2 कॉम्बिनेशन के इलेक्ट्रॉन्स आपको काउंट करने हैं। तो n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 3 के सारे ऑर्बिटल्स बना दो, 3s 3b 3d, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देते हैं 3s 3p एंड 3d, ये हमने मेंशन किए, 3s में ये, 3p में ये और 3d में ये। तो बच्चों n इक्वल टू 3 और s 10/2। अब अगेन क्या करेंगे, हर ऑर्बिटल में, थर्ड ऑर्बिट के हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दो में से आधे हाफ स्पिन के होंगे, आधे माइनस हाफ स्पिन के होंगे, +1/2 यानी कि इन सब में अपवर्ड स्पिन के एक एक इलेक्ट्रॉन रख देते हैं, माइनस हाफ का तो बनाना नहीं है। तो टोटल कितने आ गए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और यहाँ पे कितने आ गए, 5 आ गए, ठीक है। तो टोटल यहाँ मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, टोटल कितने हो गए, 9 इलेक्ट्रॉन होंगे इस सेट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटम नंबर के जो कि इस एटम के अंदर या किसी भी एटम के अंदर मिल सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन्स।
स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन. राइट दी ऑर्बिटल्स विच आर नॉट पॉसिबल इन एन एटम. तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए पहले मैंने आपको एटम का वही स्ट्रक्चर बना दिया है जो क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग हमें पता चला. फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर क्या है, खाली 1s होता है. सेकंड ऑर्बिट में s और p दोनों होते हैं जिनका नाम मैंने 2s और 2p लिखा है. थर्ड ऑर्बिट n इक्वल्स टू 3 ये रहा. इसमें तीन रूम यानी तीन सबशेल्स हैं 3s 3p 3d. और फोर्थ जो ऑर्बिट है उसके अंदर चार सबशेल हैं s p d f यानी 4s 4p 4d और 4f. एंड 5 में भी एस पी डी एफ ही होगा, 6 में भी एस पी डी एफ होगा एंड 7 में भी. आगे के जितने भी उनमें एस पी डी एफ ही चलेगा क्योंकि F के आगे का सबशेल G अभी तक हमें नेचर में नहीं मिला है. दूसरी बात, ये N भी अभी नेचुरली हमें 7 तक पता है, ठीक है. 7 नंबर का ऑर्बिट जो है एटम में मिला है लेकिन उसके आगे के ऑर्बिट के एटम्स अभी हमें नहीं पता है. तो N इक्वल टू 7 तक अक्सर हम करते हैं, ठीक है. अच्छा, अब आप ये ध्यान से देखिए, S पहली बार कब इंट्रोड्यूस हुआ? S पहली बार फर्स्ट में, फर्स्ट ऑर्बिट में इंट्रोड्यूस हुआ. P पहली बार कब इंट्रोड्यूस हुआ? क्या P पहले ऑर्बिट में है? नहीं है. P पहली बार कब इंट्रोड्यूस हुआ? सेकंड ऑर्बिट में, यानी कि 2P है पहली बार. तो क्या मैं बोल दूं 1P इज नॉट पॉसिबल? ठीक है, यहां पे मैं लिख रही हूं नॉट पॉसिबल ऑर्बिटल्स. तो 1s, s तो सब में है, P पहली बार सेकंड में है यानी कि 1p इज नॉट पॉसिबल. अच्छा, d ऑर्बिटल्स या d सबशेल पहली बार कहां दिखे? d सबशेल, d वाला रूम हमें पहली बार दिखा थर्ड लेवल पर, थर्ड वाले ऑर्बिट के अंदर. तो d ऑर्बिटल यानी 2d और 1d इज नॉट पॉसिबल, ठीक है. तो 2p नहीं पॉसिबल है, फिर 2d भी नहीं पॉसिबल है, ठीक है, और 1d भी नहीं पॉसिबल है. d फर्स्ट में भी नहीं मिल सकता और सेकंड में भी नहीं मिल सकता. इसको हम सीक्वेंस में लिख देते हैं, ठीक है, 1d और 2d भी नॉट पॉसिबल है. अच्छा, f पहली बार कहाँ दिखा? फोर्थ में, यानी f फर्स्ट सेकंड और थर्ड ऑर्बिट के अंदर पॉसिबल नहीं है. तो यानी 1f इज नॉट पॉसिबल, 2f, 3f, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक. तो अच्छा, अगर इनकी क्वांटम नंबर्स हम लिखें, ये तो हमने ऑर्बिटल्स लिखे हैं, अगर हम इनके क्वांटम नंबर्स भी सामने लिख दें तो 1p यानी n इक्वल्स टू 1 और l इक्वल्स टू, मैं एक बार फिर से यहाँ पे लिखती हूँ ताकि आपको याद रहे, l इक्वल्स टू 0 1 2 3, ठीक है. l की जब ये वैल्यू होती है तो सबशेल्स कौन से लिखे जाते हैं? spdf, और इन सबशेल के अंदर इनके ऑर्बिटल्स होते हैं. तो l इक्वल्स टू p है, p के लिए क्या लिखोगे? l इक्वल्स टू 1, तो इसका ये वाला क्वांटम नंबर है 2d. 2 के लिए आप n क्या लिखोगे? 2d के लिए n 2 हो जाएगा. और l की वैल्यू क्या लिखेंगे? d के लिए देखो, d के लिए l की वैल्यू 2 है, तो l इक्वल्स टू 2. 1f, तो n की वैल्यू तो 1 हो गई. f के लिए क्या लिखोगे? l की वैल्यू 3 है, तो l की वैल्यू 3. ये वो ऑर्बिटल्स हैं जो पॉसिबल नहीं है. हम ज़रा इसको प्रॉपर लाइन से ले लेते हैं. ये 2d हो गया, 2d है, हमने कुछ यहाँ, ये 1f का हो गया, है ना, यहाँ पे लिखते हैं ये n इक्वल्स टू 1 और l इक्वल्स टू 3, और यहाँ पे था 2d, तो n इक्वल्स टू 2 और l इक्वल्स टू 2, और यहाँ पे 1d, 1d के लिए n इक्वल्स टू 1 और l इक्वल्स टू 2, ठीक है, ये हो गया है. अच्छा, 2f के लिए, ठीक है, तो 2f के लिए n बताओ क्या लिखें? n इक्वल्स टू 2, और f के लिए क्या लिख दें? 3 लिख दें. 3f के लिए n इक्वल्स टू 3 और l इक्वल्स टू 3, ठीक है. तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये वाले जो ऑर्बिटल्स हैं वो पॉसिबल नहीं हैं, ठीक है. आप इसको ऐसे भी याद रख लीजिए, s, फिर sp, फिर spd, फिर spdf, तो इससे भी आपको इस बात का आइडिया रहेगा. ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं जो क्वांटम नंबर पर दिए हैं. बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 29, 30 और 67 तक है. इन टेक्स्ट प्रॉब्लम्स जो हैं, प्रॉब्लम नंबर 2.17 एंड 2.18 है, इनको आप प्रैक्टिस करिए.